हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम जी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का मौसम बहुत अच्छा है लेकिन बादल है। कल तो पूरा दिन बारिश नहीं हुई, कल भी मौसम बादल का था लेकिन आज भी मौसम बादल का हो रहा है। बारिश हो सकती है या नहीं कुछ पता नहीं, क्यों मौसम का कुछ अंदाजा नहीं होता। जब बादल होते तो बरसात हो जाती है। सूर्य नहीं दिखाई दे रहे, बादल बहुत ज्यादा है। देखते हैं पूजा ने आज क्या बनाया है। पूजा खाना बना रही है, खाने में आज आलू गोभी है। अच्छी बात है, टिफिन मेरा लग चुका है, रोटी भी लग चुकी है और अब बना रही है चाय। चाय बन रही है और आज फिर मैं दूध लेने के लिए चल गया था। मैं दूध लेने के लिए चल गया था क्योंकि आज फिर से गंगा ने दूध पी लिया है। आज तो अपने गले से रस्सा निकाल कर और उन्हें सारा दूध पी लिया है। आज देखिए पुले रुपये हैं, छत पर ही पुले बहुत रखे हैं। मौसम बहुत ज़्यादा बादल है, ये देखिए कैसे बैठी है दूध पीकर, आराम कर रही है। दो दिन से रोज मजे आ रहे हैं दूध पीने में। शाम को खुल गई थी, रात ही खुल गई होगी, अपने गले से रास्ता निकलवा ली था और फिर सारा दूध पी लिया। गंगा ए गंगा क्या बात हो रही है। और घर पे आए हैं सुबह सुबह योगेश चाचा जी, क्योंकि कल पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए उनका पता लेने के लिए योगेश चाचा जी घर आए थे और उनसे बातचीत की। कल पापा जी का बीपी हाई हो गया था और ड्यूटी भी पूरी नहीं कर पाए, अपने साहब को बोलकर वे घर आ गए थे और घर आकर दवाई दवाई ली और कल डॉक्टर साहब ने उन्हें दवाई दी थी और आज पापा जी अपनी ड्यूटी पर नहीं जाने के, वे आराम करेंगे। उन्होंने अपने दफ्तर में बोल दिया था कि मैं आज ड्यूटी नहीं आऊँगा और आज पूरा दिन पापा जी आराम करेंगे। आराम डॉक्टर साहब ने भी आराम करने को बताया है। और अभी चर्चा कर रहे हैं बात, लेकिन मुझे जाना है अपनी ड्यूटी पर इसलिए मैं अभी चलता हूँ, रेडी होता हूँ। हेलो दोस्तों, तो मैं ड्यूटी से घर आ चुका हूँ। गंगा खा रही है अपना घास, यानी कि भूस की सन्नी खा रही है, कि हरा भी आ नहीं रहा क्योंकि मम्मी का प्यार ठीक नहीं रहा इसलिए मम्मी खेत नहीं जा रही। जिस दिन मम्मी का प्यार ठीक हो जाएगा, अच्छा चलेगा, ये खेत में जाएगी और मैं गन्ने काट काऊँगा और फिर मम्मी छोल कर लाएगी गंगा के लिए। तो कुछ दिन बाद जब मम्मी का प्यार ठीक हो जाएगा फिर गंगा के लिए हरा घास लाएगी। इसकी माँ भी ऐसे हाथ चाटती है मेरा, अजय भी आज ऐसे हाथ चाट रहे हैं पहली बार मेरा। और हरा घास इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मम्मी का प्यार भी सही तरीके से अच्छा नहीं रहा। जल्द ही इनके लिए हरा घास भी आ जाएगा। इनके नीचे सूखा कर दिया छोटे भाई ने मेरा आने से पहले, वैसे भी चादर उड़ा दी है ऊपर। तुलसी का पौधा है, पौधे लगा रखे हैं हमने और मैं चुका छत पर। और देखिए आज फिर अमित का घर जाना कैंसिल हो चुका है, इसे आज फिर पापा जी ने रोक दिया। बोल रहे थे कि आज रुक जा, आज मैंने भी छुट्टी ली है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, तो इसलिए अमित आज फिर रुक गया। और वो जिद कर रहा था कि मैं वो ज़रूर कर जाऊँगा। देखिए आप कैसे जिद कर रहा है, आपको ऐसा कर रहा है। इधर पापा जी कर रहे आराम, इनकी आज तबीयत ख़राब थी।
और ये कर रही है मौसी जी से बात अमित की मम्मी से। देखिए अमित बड़ा खुश हो रहा है, इसका बहुत ज्यादा जी लग रहा है यहाँ पर। बोल रहा है कि भाई मम्मी मौसी से बात कर रही है और ये अमित साहब हम कल अपने घर जाएंगे। सच्चो ही सच्चो कल नहीं रुकेंगे, कोई बहाना नहीं चलेगा कल का। नहीं कल मैं रोक दूंगा या गगन रोक देगा। नहीं भाई जी कल कोई बहाना, 10 दिन हो चुके हैं रहते। अरे नहीं बस 6 दिन है, नहीं नए साल पर आए थे आज, कल 8 तारीख हो जाएगी, कल अपने घर जाएंगे। अरे तो फिर 8 दिन बैठेंगे तो कोई बात नहीं, 2 दिन फालतू बताने चाहिए। चलो डेट थोड़ा बढ़ जाएगी तुम्हारे कहने से, डेट बढ़ा मत बढ़ो हम बढ़ जाएंगे थोड़े। ठीक रहे होगा देखे कटाया आज अच्छा सुबह को जूते पहन कर भी निकलना है बस इसको, इन्हें अपने कपड़े रेडी है मतलब कि है। चलो देखेंगे कल क्या टाइम बताता है, जाता है ना नहीं जाता है। जाना तो से परसों था, परसों से अब तक 4-3 दिन हो चुके हैं आज। ये कहता है घर चल ले और हम कहते हैं नहीं जाना अभी। कल 10 बजे तक चले जाएंगे। तो कल 10 बजे तक देखते हैं जाता है नहीं, तो आपको फिर कल मिलाऊंगा इससे जो ये घर नहीं गया। तो देखिए अमित बोल रहा है कल सुबह निकल जाऊंगा, ये छोटा अमित मैं बड़ा अमित। अमित मुझसे 7-8 साल छोटा है और दोनों बहनों ने आपस में डिस्कशन करके इसका नाम भी अमित रख दिया, कुछ सोच समझ के रखे हुए दोनों के नाम अमित। बोला कि कल जाएंगे और अब फिलहाल पूरी मस्ती के मूड में अमित एंजॉय कर रहा है पूरा। तो देखते हैं कल एक कैसे जाता है। मैं बोल रहा हूँ संडे में छोड़ जाऊँ घर, यही तो है इनका घर पास ही बिजनौर। बिजनौर से 50 किलोमीटर। हाँ 50 ही है, 50 है। अरे बिजनौर यहाँ 60 किलोमीटर है, 45 है और 60 यहाँ से बिजनौर है। चलो 10 मिनट का रास्ता है घर जाने का, ज़्यादा नहीं क्योंकि ये सुबह के टाइम फ्लाइट पकड़ेगा और सीधा घर उतरेगा। यही फ्लाइट चल रही है आजकल, इससे बढ़िया फ्लाइट कोई जाए नहीं। से मिलेगी फरारी बस सीधी मुजफ्फरनगर की, फिर रोड इस पकड़े हो बस अड्डे, वहाँ से फिर बस पकड़ो बिजनौर की और फिर फिर नूरपुर की, फिर वहाँ से ऑटो में टंग के फिर अपने घर पहुँच जाएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, राम राम जी।